दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक मालिक ने अपने नौकर के साथ अपनी बेटी का विवाह क्यों किया। कहानी का भाग दो, पहला भाग देखने के लिए ऊपर दिया लिंक पर क्लिक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। लाला जी को देने के लिए कुछ रुपए इकट्ठे ही हुए थे कि तभी बंजारे के पिताजी बीमार हो गए और उसकी बीमारी में कुछ खर्च करना पड़ा, परंतु पिताजी फिर भी नहीं बचे। बाकी पैसे उसके अंतिम संस्कार आदि में खर्च हो गए। देखते देखते 6 महीने का समय गुजर गया। शुरू शुरू में तो लाला ने गबरू के खान पान पर बहुत ध्यान रखा, मगर जब चोरों का हल्ला कुछ कम हो गया तो उसको गबरू की खुराक कुछ भारी पड़ने लगी। धीरे धीरे उसने गबरू की खुराक में कटौती करनी शुरू कर दी। बंजारा तो शर्म और दुख के मारे लाला की गली में से भी नहीं गुजरता था। उन्हीं दिनों लाला जी की बड़ी बेटी अनीता का रिश्ता तय हो गया। उसकी शादी जल्दी ही होनी थी। उसकी तैयारी के लिए कपड़े, जेवर आदि सामान इकट्ठा किया जाने लगा। शादी के केवल 3 ही दिन बचे थे। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। एक रात को जब पूरे दिन भर विवाह की परंपराओं का निभा कर परिवार के सारे लोग थक कर बेशुद्ध सोए हुए थे, उसी दौरान चोरों के एक ग्रोह ने धीरे से दीवार में सेंध लगाई। शुरू में तो गबरू भूका, मगर घर में कोई भी नहीं जागा। वो बहुत भूका, सभी बहुत ही गहरी नींद सोते रहे। कंजूस लाला कुत्ते को खाने को क्या ही देता था। बेचारा गबरू कितना कमजोर हो गया था। जब चोरों ने गबरू को रोटियां डाली तो वो सारी खा गया। अब और कुछ मिलेगा, इसी उम्मीद से उनके पीछे पीछे आ गया। जब चोरों ने गबरू की तरफ देखा, गबरू पूंछ हिलाने लगा। वे चोर लाला जी के गांव के ही थे। लाला की बेटी की शादी की बात सुनकर उन्होंने सेठ के यहाँ चोरी करने की सोची थी। लाला के यहाँ से खूब माल उन्हें मिला, मगर अभी उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी इस माल को अपने घर ले जाने की, क्योंकि अगर किसी तरह पकड़े गए और माल घर से बरामद हो गया तो उनके साथ परिवार को भी राजा साहब की सजा का भागीदार होना पड़ेगा। इसलिए वे लाला जी के घर से निकलकर सीधे बस्ती के बाहर खेतों की तरफ चले गए। उन्होंने आपस में सलाह करके सारा माल एक बाग में डालकर खड्डा खोदकर बैग उसमें गाड़ दिया और अपने अपने घर चले गए। चोरों ने सोचा, जब मामला ठंडा पड़ जाएगा तो निकाल कर आपस में बांट लेंगे। इस दौरान गबरू सब कुछ ध्यान से देखता रहा। गबरू कुछ दूर तक तो उनके पीछे गया, फिर धीरे से रास्ता बदलकर महाजन के घर पहुंच गया। गबरू जब महाजन के घर पहुंचा तो सभी लोग जाग चुके थे। घर में कोहराम मचा हुआ था। उन्हें सबको चोरी का पता चल चुका था। शादी वाले घर में सबसे पहले गहनों पर नजर डाली जाती है और सारे कीमती गहने कपड़े गायब थे। साथ ही गायब था बंजारे का कुत्ता, जिसका कहीं कुछ पता नहीं था। महाजन ये देखकर हैरान था कि बंजारे का कुत्ता गली के कुत्तों को और किसी अनजान आदमी को गली में घुसने नहीं देता, और वो घर में चोरी के समय घर से गायब था। उसने तुरंत कोतवाल को खबर करके बुला लिया और कोतवाल अपने 4 सिपाहियों के साथ तुरंत लाला जी के घर आ गए। चोरी की तहकीकात करने लगे। लाला जी, उनकी पत्नी और परिवार के अन्य लोग कोतवाल को ये बताने में लगे थे कि घर से क्या क्या चीज चोरी हुई है। इसी बीच में गबरू घर में वापस आ गया, मगर उसके और किसी का ध्यान नहीं जा रहा था। गबरू सेठ जी के पास पहुंचा तो सेठ जी का गुस्सा उस पर फूट पड़ा। कमबख्त कामचोर, तू दिन भर में तो भौंक कर पूरी गली को सिर पर उठाए रखता है और जब चोर आए सारे गहने कपड़े उठा ले गए तो तू कहां जाकर मर गया था। आज तो बिल्कुल भी नहीं भौंका, तुझे क्या सांप सूंघ गया था। अब कहां से चला आ रहा है। गबरू क्या जवाब देता और कैसे जवाब देता। अगर वो जवाब भी देना चाहता तो उसकी बात समझता कौन। यहाँ उसका असली मालिक बंजारा तो था नहीं, जो उसकी हर बात इशारे में समझ जाता था।
फिर भी वह सेठ जी को अपनी बात समझाने की कोशिश करने लगा। गभरू सेठ जी की धोती पकड़कर धीरे से उसे अपनी ओर खींचने लगा। सेठ जी ने सोचा कि रात गभरू को खाना नहीं मिला था, इसलिए शायद वह सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना चाह रहा है। उन्होंने गुस्से में कहा, ना मुराद, यहाँ इतनी बड़ी चोरी हो गई है और तुझे खाने की पड़ी है, चल हट जा यहाँ से। परंतु कोतवाल अनुभवी था, उसने एक कोने में पड़ी हुई रोटियाँ देख ली थी। कुत्ता अगर चाहता तो उन्हें खाकर अपनी भूख मिटा सकता था, इसलिए वह समझ गया कि यह कुत्ता सेठ जी को कुछ और बताना चाहता है। उसने सेठ जी से कहा, सेठ जी, मुझे लगता है आपका पालतू कुत्ता आपको कुछ बताना या दिखाना चाहता है, हमें इसकी बातों पर ध्यान देना चाहिए। अब सेठ जी को समझ आया कि गबरू बार बार उनकी धोती पकड़कर क्यों खींच रहा था। वे उसकी ओर देखने लगे तो गबरू उनकी धोती का एक छोर पकड़कर धीरे धीरे घर के बाहर की ओर बढ़ने लगा और उसके पीछे पीछे सेठ जी, सेठ जी का बेटा कोतवाल और उनके दो सिपाही चलने लगे। कोतवाल ने दो सिपाही घर की रखवाली के लिए छोड़ दिए थे। घर से बाहर निकलकर गबरू ने धोती का छोड़ दिया और कुछ तेज गति से बस्ती के बाहर की तरफ बढ़ने लगा। कोतवाल और उसके सिपाही तो किसी तरह उसके पीछे चल पा रहे थे। सेठ जी का लड़का भी उन्हीं के साथ था, मगर सेठ जी का शरीर भारी होने के कारण उनके साथ चलने में बड़ी परेशानी हो रही थी, मगर फिर भी वो पीछे पीछे लपके जा रहे थे। बस्ती को पीछे छोड़कर गभरू खेतों की तरफ बढ़ने लगा। कई खेत पार करने के बाद एक खेत के कोने में जाकर वह अपने पंजों से मिट्टी खोदने लगा। कोतवाल ने अपने सिपाहियों को इशारा किया तो वे अपनी बंदूकों के आगे लगे संगीनों से धरती खोदने लगे। ताजी खोदी हुई धरती को खोदने में समय ही कितना लगना था, और गहने कपड़े से भरा बैग मिल गया। ये देखकर लाला जी बहुत खुश हो गए। लाला ने अपने नौकरों को गबरू के खान पान का विशेष ध्यान रखने की हिदायत दी और खुद अपने परिवार तथा रिश्तेदारों के साथ अपनी बेटी की शादी के प्रबंध में लग गए। महाजन की बेटी की शादी सुख पूर्वक हो गई। धीरे धीरे सेठ जी के सब मेहमान विदा हो गए। लाला ने चिट्ठी लिखी और साथ में 20 रुपए एक कपड़े में बांधकर गबरू के गले में बांध दिए और गबरू को ढेर सारा प्यार करके उसे अपने मालिक बंजारे के पास जाने के लिए कह दिया। गबरू ने एक बार महाजन की तरफ देखा, फिर घर से बाहर की ओर, और वह एक बार फिर से महाजन के पैरों में लिपटकर उल्टा पलटा होने लगा और फिर घर के बाहर की ओर तेजी से चल पड़ा। बंजारे ने कर्ज लेने के बाद कुछ समय तक तो महाजन की बस्ती के पास डेरा डाल रखा था, मगर जब उसकी सारी बचत उसके बाप की बीमारी में लग गई तो और कर्ज ना चुका पाने के कारण शर्म के मारे उसने अपना डेरा बस्ती से थोड़ा दूर हटकर लगा लिया और महाजन की बस्ती की बजाय अपना सामान अधिकता दूसरी बस्तियों में बेचने लगा। गभरू महाजन के घर से निकलकर सीधा बंजारे के डेरे की पुरानी जगह पर गया, परंतु वहां बंजारे का डेरा ना देखकर वह कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा। फिर कुछ सोच समझकर उसने आसपास की जमीन सूंघनी शुरू कर दी। जैसे उसकी समझ में कुछ आया तो जमीन सूंघते हुए बंजारे के नए डेरे की ओर बढ़ने लगा। जब वह बंजारे के नए डेरे के पास पहुंचा तो शाम हो चुकी थी। बंजारा भी अपना सामान बेचकर बाजार से डेरे की तरफ लौट रहा था। गबरू की नजर बंजारे पर पड़ चुकी थी। मालिक से मिलने की खुशी में गबरू के मुंह से अजीब सी आवाजें निकलने लगी। वो खुशी के मारे दूर से उछलने कूदने लगा और भौंकने लगा। बंजारा अंधेरा होने के कारण दूर से गबरू को पहचान नहीं पाया और उसने मजबूत लाठी से गबरू पर वार कर दिया। मजबूत लाठी का वार एकदम सीधा गबरू के सिर पर लगा था तो जिससे बेचारे गबरू को कुछ बताने का मौका ही नहीं मिला। वह हल्की सी आवाज के साथ ढेर हो गया। गबरू के गिरने पर बंजारा जब पास पहुंचा और अपने प्यारे गबरू को गोद में उठा लिया, मगर गबरू तो अब इस दुनिया को अलविदा कह चुका था। जब बंजारे ने गबरू को अपनी गोद में लिया तो
उसे गबरू की गर्दन में कुछ बंधा हुआ सा महसूस हुआ। उसने उसे खोलकर देखा तो उसमें उसे खत और कुछ रुपए नजर आई। बंजारा ज्यादा तो पढ़ना लिखना नहीं जानता था, पर उसे थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना आता था। उसने टूटी फूटी भाषा में गबरू का कारनामा पढ़ा और महाजन द्वारा बंजारे को कर्ज मुक्त करने की बात पड़ी तो वह खुद को रोक नहीं सका और फूट फूट कर रोने लगा। बंजारे के परिवार ने भी जब दूर से बंजारे के रोने की आवाज सुनी तो दौड़कर वहां आए और वहां गबरू मरा पड़ा था। अब तो पूरा परिवार ही गबरू से लिप्त लिप्त कर रोने लगा, परंतु अब हो ही क्या सकता था। सबने मिलकर बड़ी मुश्किल से बंजारे को गबरू से अलग किया। बंजारे ने अपने बेटे की तरह गबरू का अंतिम संस्कार किया और वहां गबरू की एक समाधि बनाकर उसमें उस राख को रखकर और रोजाना उसके आगे घुटने मोड़कर हाथ जोड़कर सिर झुकाने लगा। उस समय अपने आप ही बंजारे की आंखों से आंसू टपक पड़ते थे। उसके बाद वो बंजारा भी जल्दी भगवान को प्यारा हो गया। गबरू की समाधि के पास में रहता था। सो तुमने देख लिया, अपने पालतू वफादार और निर्दोष कुत्ते को मारकर बंजारा कैसे रोया और बाद में कितना पछताया था। इसी तरह तुम भी मुझे निर्दोष और गरीब को मारकर इसी तरह रोओगी और पछताओगी, मगर कभी चैन से नहीं जी सकोगी। आगे तुम्हारी मर्जी, अब मैं कुछ नहीं कहूँगा। अब तक कोचवान के घर में बर्तन खड़कने की आवाज आ चुकी थी और अब तो कोचवान और उसकी घरवाली भी आपस में बातें करने की हल्की फुल्की आवाजें भी आने लगी थी। इसलिए सुरेखा भी अपने उद्देश्य में असफल होने के कारण नंदन को गुस्से से देखती हुई नीचे उतर आई। सुरेखा इतने गुस्से में नीचे उतरी थी कि आते ही उसने अपनी माँ और बहनों पर चिल्लाना शुरू कर दिया। बड़ी मुश्किल से उसे चुप कराकर उसकी माँ उसे कमरे में लेकर गई और वहाँ सुरेखा ने साफ कह दिया कि यह लड़का बहुत चालाक है और बातों से काबू में आने वाला नहीं है। अब तो उसकी दौलत हथियाने के लिए उसे मारना ही पड़ेगा और उसके लिए अब देर करना ठीक नहीं। माँ ने उसकी ओर अब माँ ने अपनी छोटी बेटी की ओर देखा और कहा, बेटी मंगला, अब तुम क्या कहती हो? प्यार और अच्छे व्यवहार से सबको जीता जा सकता है माँ, फिर उससे जो चाहो का काम कराया जा सकता है। वैसे ये लड़का तेज है, मगर सविता और सुरेखा के प्रति उसके मन में पहले से ही बुरी भावना बैठ चुकी है, इसलिए दोनों कामयाब नहीं हो पाई। उसकी माँ कहने लगी, बेटी मुझे तुम पर पूरा भरोसा, क्योंकि तुम अभी तक उस लड़के के सामने नहीं आई हो। तुम्हारी सुंदरता और कोमलता देखकर वह अपने आप पर काबू नहीं रख सकेगा, इसलिए अपना ध्यान रखना और किसी तरह उसकी दौलत अपने कब्जे में कर लेना। मंगला ने कहा, माँ अब तुम थोड़ी देर सो लो, विश्वास रखो तुम्हारी लाडली बेटी मंगला कभी असफल नहीं हो सकती। बाद में बड़ी दीदी और सुरेखा दीदी को भी शांत करके सुला देना, दोनों थक भी गई है और बड़ी दीदी को तो नींद की जभाइयां भी आ रही है। निश्चिंत रहो, मैं ऐसा चक्कर चलाऊंगी कि उसकी दौलत भी हमारे कब्जे में होगी और हमें उसे मारने का पाप भी नहीं लगेगा, क्योंकि हम उसे मारेंगे नहीं। वह सुबह होने से पहले खुद ही डर के मारे यहाँ से चुपके से चला जाएगा। आखिर उसका पाला इस बार मंगला से जो पड़ा है। उसकी माँ ने खुश होकर मंगला का माथा चूमकर उसे आशीर्वाद दिया और अपनी दोनों बड़ी बेटियों के साथ सोने के लिए अपने अपने बिस्तरों पर लेट गई। वैसे तो उन सबको नींद नहीं आ रही थी, मगर बिस्तर पर कमर लगते ही नींद ने ऐसा दबोचा कि तीनों बेसुध होकर सो गई। कोचवान तो पहले से ही खर्राटे मार रहा था। मंगला ने उन सबको तो सोने के लिए कह दिया, मगर उसके मन में तो कुछ और ही था। उसे एक अजनबी को अपने घर लाकर लूट लेना अच्छा नहीं लग रहा था। साथ ही वो ये भी जानती थी कि यदि अजनबी ने किसी तरह शोर मचा दिया और कहीं शिकायत कर दी तो उनमें से कोई भी सजा से नहीं बच सकेगा। इससे भी अधिक उसे सुंदर अजनबी से सहानुभूति होगी, जिसके जीवन पर कई बार वार हो चुका था।
जो केवल भगवान की कृपा से या किसी चमत्कार से अभी तक बचा हुआ था। वो सीढ़ी से चढ़कर जब छत पर गई तो जहाँ पहले से ही नई मुसीबत का प्रतीक्षा कर रहा था नंदन, ढलते हुए चांद की रोशनी में उसने सीढ़ी पर ऊपर चढ़ती हुई युवती को देखा तो उस समय चांद की चांदनी सीधी मंगला के चेहरे पर पड़ रही थी, जिसे मंगला की सुंदरता और कोमलता दोनों देखने वाले को मोहित करने की के लिए काफी थे। उस पर उसकी 16वें सावन की जवानी किसी भी जवान युवक को मदहोश कर सकती थी। एक पल को तो नंदन उसे देखता ही रह गया। मंगला ने उसे अपनी ओर एकटक देखता हुआ देखा तो वह शर्मा गई। वह चांद की रोशनी में नंदन की खूबसूरती देखकर कुछ पल के लिए अपने को भूल गई। वह लड़खड़ाकर सीढ़ियों से नीचे गिर ही जाती यदि तुरंत ही नंदन ने उसका हाथ पकड़कर ऊपर खींच ना लिया होता। मंगला की माँ और बहनें, जो अभी तक तिरछी नजरों से मंगला को ऊपर की ओर चढ़ते देख रही थी, ये देखकर मन ही मन खुश हो गई कि मंगला ने पहला मोर्चा तो मार लिया। अब जल्दी वो लड़के की दौलत भी अपने काबू में कर लेगी। इसलिए वे तीनों निश्चिंत होकर लेट गई और सो गई। उधर छत पर मंगला ने नंदन के सामने बैठकर उसे चुप रहने का इशारा कर दिया और चुपचाप उसके सामने बैठकर उसे देखने लगी। अब तक नंदन ने मंगला के रूप जाल से स्वयं को मुक्त कर लिया था और मंगला से स्वयं को बचाने का उपाय सोचने लगा। कुछ देर तक चुप रहने के बाद मंगला ने धीरे से नंदन से बात करनी शुरू की। मंगला ने कहा, बाबू तुम सोच रहे होगे कि सविता और सुरेखा के बाद मैं तुम्हारी दौलत का राज जानकर उसे हथियाने आई हूँ। तुम्हारा ये सोचना सही भी है, क्योंकि तुम जब से इस घर में आए हो तुम्हारे साथ एक के बाद एक अनहोनी हो रही है, या कहिए तुम्हारे जीवन पर एक के बाद एक हमले किए जा रहे हैं। पहले तुम्हें भोजन में जहर देने की कोशिश की गई, फिर कच्चे सूत की चारपाई पर लिटाने की कोशिश की ताकि तुम कुएं में डूबकर मर जाओ। बाद में यहाँ छत पर भी सविता और सुरेखा द्वारा तुम्हें मार डालने की कोशिश की गई। ऐसे में मैं तुम मुझ पर विश्वास कर भी कैसे सकते हो? आखिर मैं भी तो दुर्भाग्य से इसी परिवार का हिस्सा हूँ, नंदन ने धीरे से फुसफुसा कर ही उसी अंदाज में शांति से जवाब दिया। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन शायद मेरे बारे में तुम्हारे घर वालों को कुछ ज्यादा ही गहरी गलतफहमी हो गई है। ना तो मेरे पास किसी तरह की कोई दौलत है और ना ही मैं कोई धनवान आदमी हूँ। शायद मेरे कपड़ों से तुम सबको गलतफहमी हो गई है, मगर यह कपड़े मुझे मेरे मालिक ने इसलिए दे दिए क्योंकि मेरे कपड़े उनके घर मजदूरी करते हुए फट गए थे। असल में तो मैं केवल एक मजबूर और मजदूर आदमी हूँ जो परदेश से धक्के खाकर अपने घर वापस इसलिए लौट रहा हूँ ताकि अपने घर वालों के साथ रह सकूं और जो भी रूखा सूखा मिलेगा उसे खा सकूं। कम से कम अपने परिवार के साथ तो रह सकता हूँ। फिर नंदन ने उसे पूछा, मगर तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या तुम्हारे घर वालों को यहाँ आने के बारे में पता है? तुम इतने सुंदर हो कि शायद ही कोई तुम्हें देखकर अपने पर काबू रख सके। मगर मैं ठहरा गरीब आदमी, अपने खाने नहाने का भरोसा नहीं, किस बूते पर तुम्हारे बारे में सोच सकता हूँ? मंगला ने कहा, अब इन बातों को सोचने का समय नहीं है, अभी तो ये सोचना है कि तुमको यहाँ से सुरक्षित कैसे निकाला जाए, क्योंकि मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरे घर में मेरी आँखों के सामने तुम्हारी हत्या मेरे घर वालों के द्वारा की जाए। ये कहकर मंगला धीरे धीरे से अपने घर वालों की आहट लेने लगी। अब तो वे सब लोग गहरी नींद में सो चुके थे। मंगला ने नंदन को चुप रहने का इशारा करते हुए अपने पास बुलाया और धीरे से लकड़ी की वह सीढ़ी ऊपर खींच लेने को कहा ताकि कोई भी आसानी से छत पर ना आ सके। सीढ़ी ऊपर खींचने के बाद नंदन ने मंगला की ओर देखा तो उसने कहा, देखो अब ये सीढ़ी मकान के पिछले हिस्से में लगानी है जिससे वहाँ नीचे उतरा जा सके। मकान के पिछले भाग में हमारी घुड़साल है जहाँ हमारे घोड़े बंधते हैं। उनमें से एक घोड़ा है जो एक घंटे में 25 मील दूर तक ले जा सकता है, दूसरा घोड़ा एक घंटे में 15 मील दूर चलता है।
जिससे घोड़ा गाड़ी में भी जोता जाता है। घोड़ी गर्भवती होने के कारण ज्यादा नहीं चल पाएगी, इसलिए उसके बारे में तो सोचना भी बेकार है। मैं तुमको फंसाने नहीं आई, तुम्हारा मन माने तो मेरी बातों को मानो, वरना कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर रहने पर तो वैसे भी कुछ समय बाद तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। नंदन को उसकी बात ठीक लगी, उसने अभी तक कोई ऐसा काम नहीं किया था उस पर किसी तरह का संदेह किया जाए, सिवाय इसके कि वह ठग कोचवान के परिवार की लड़की है। फिर भी सावधान रहते हुए लड़की की बात मानने में कोई बुराई नहीं थी, अब क्या पता उसकी तरकीब से मेरी जान बच ही जाए। यदि नहीं तो फिर यहाँ जान तो खतरे में है ही। उसने उस लड़की से पूछा, मान लो कि तुम मुझे बचाना चाहती हो, मगर तुम मेरे साथ क्यों जाना चाहती हो? मंगला ने कहा, यदि मैं तुम्हारे साथ नहीं गई तो ये सब तुम्हारे बच निकलने का कारण मुझे समझकर गुस्से में बिना सोचे समझे मुझे मार सकते हैं, परंतु यदि मैं तुम्हारे साथ भाग गई तो ये समझकर तुम्हारा पीछा करेंगे कि तुमने मुझे बहला फुसलाकर भगाने को मजबूर कर दिया, और तुम्हारे साथ साथ मेरी जान भी बच जाएगी। वैसे भी मैं अपने परिवार के ऐसे व्यवहार के कारण मुझे अपने परिवार वालों से नफरत सी हो गई है। यदि उन्होंने हमारा पीछा करके हमें पकड़ने की कोशिश की तो तुम्हारे पीछे बैठे होने के कारण वे तुम पर किसी तीर तलवार या खंजर का वार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका कोई भी हथियार पहले मुझे ही लगेगा, और बापू मुझे सबसे ज्यादा प्यार करने के कारण अपनी आँखों के सामने मुझे मरता नहीं देख पाएंगे। इसलिए मेरा तुम्हारे साथ जाना जरूरी है। नंदन को मंगला की बात तो ठीक ही लगी, फिर भी उसने सावधान रहना ही उचित समझा। सीढ़ी को मकान के पिछवाड़े लगाते समय उसने सीढ़ी को कई जगह ठोक कर जांच लिया कि मकान के पिछवाड़े में कोई खड्डा तो नहीं है जिसमें गिराकर उसे मारने की कोशिश की जा सके। फिर ढलान ढलते चांद की रोशनी में नंदन धीरे धीरे नीचे उतरा। सीढ़ी के सबसे निचले पायदान पर भी नंदन ने सावधानी से एक पांव से नीचे की जमीन को ठोक कर देख लिया। तसल्ली होने पर उसने दूसरा पांव जमीन पर रखा, मुड़कर अपने चारों ओर देखने की कोशिश की। जब उसे कोई खतरा नजर नहीं आया तो वह धीरे धीरे सावधानी से घुड़साल की ओर बढ़ा। दरवाजे पर ही उसे घोड़े की जीन पड़ी नजर आ गई। उसने उठकर धीरे से घुड़साल में घुसा और वहां बंधे घोड़े पर नजर डाली। गर्भवती घोड़ी तो अलग ही नजर आ रही थी, उसे अलग ही दूसरे घोड़ों से दूर बांधा गया था, परंतु दोनों घोड़ों में कोई अंतर नजर नहीं आ रहा था। घुड़साल में नंदन के कदम रखते ही घोड़े चौंक कर हिनहिनाने लगे। ये देखकर नंदन को लगा कि कहीं उनकी हिनहिनाने की आवाज के कारण कोचवान और उसके घर के बाकी लोग जाग ना जाएं। उसने जल्दी से एक घोड़े को खोलकर उस पर जीन कसी और सवार होकर वो घोड़े को एड लगाकर आगे बढ़ना ही चाहता था कि मंगला भी उछलकर घोड़े की पीठ पर सवार हो गई। उस समय एक बार तो नंदन चौंक ही गया, क्योंकि उसने तो मंगला को इशारा भी नहीं किया था। फिर उसके पीछे घोड़े पर कौन आ गया? परंतु तुरंत उसे पता चल गया कि उसे पीछे घोड़े पर बैठने वाली कोई और नहीं, मंगला ही है। उसने घोड़े को एड लगाई और धीरे धीरे कोचवान के मकान के पीछे से घोड़ा इतनी सावधानी से निकला ताकि कोचवान और उसके परिवार को पता न चले। थोड़ी दूर जाने पर उन्होंने घोड़े को पूरी तेजी से दौड़ा दिया। उधर घोड़ों की हिनहिनान और टापों की आवाज जब कोचवान की पत्नी के कान में आवाज पड़ी तो उसकी समझ में कुछ नहीं आया। उसने अलसाते हुए आंखें खोली। कंबत घोड़े रात को भी नहीं सोने देते, मगर तभी उसे रात की सारी घटना याद आ गई। उसने छत से लगी सीढ़ी की ओर देखा, जिस पर चढ़कर मंगला छत पर उस अजनबी लड़के की दौलत निकलवाने गई थी। जब उसने वहां से सीढ़ी को गायब देखा तो उसे मंगला की चिंता होने लगी। उसने अपनी कमसन बेटी को अजनबी जवान आदमी के पास भेज दिया था। पता नहीं उसने मंगला के साथ कैसा व्यवहार किया होगा। सीढ़ी अपनी जगह पर नहीं होना भी किसी अनहोनी का सूचक लग रहा था। उसने अपने बिस्तर से उठकर छत पर झांकने की कोशिश की,
मगर वह इतनी लंबी थोड़ी ही थी कि बिना किसी सहारे के कुछ देख पाती। फिर उसने धीरे धीरे से छत से किसी आवाज की आहट लेनी चाही, मगर वहाँ तो बिल्कुल सन्नाटा था। किसी भी तरह की कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। कहीं उस लड़के ने गुस्से में आकर मेरी मंगला को मार तो नहीं डाला? उसका दिल किसी अनहोनी के डर के कारण जोर जोर से धड़कने लगा। वह धीरे से अपनी खाट सरकाकर छत के पास लगाकर ऊपर देखने की कोशिश करने लगी तो उसके के तोते उड़ गए। छत तो खाली पड़ी थी। वहाँ पर ना तो मंगला थी, ना वह अजनबी लड़का। उसकी तो जोरों से चीख ही निकल गई। घरवाली की चीख सुनकर कोचवान जागा और साथ में उसकी दोनों बेटियां भी। वे सब उससे पूछने लगे क्या हुआ। घरवाली ने धीरे से कहा, गजब हो गया, वो अजनबी लड़का अपने सारे सामान के साथ गायब है, हमारी मंगला भी। क्या, क्यों, कहां गए दोनों? वो लड़का छत पर ही तो लेटा था और मंगला, वो कहां गई? अभी यही तो सो रही थी। कोचवान बोल उठा, धीरे बोलो जी, असल में मंगला उसके पास छत पर गई थी। ऐसा लगता है वो हमारी मंगला को बहलाकर भगा ले गया। अब पता नहीं बेटी का क्या होगा। कोचवान की घरवाली के आखिरी शब्द शायद उनके पड़ोसियों ने भी सुन लिए थे, जो कोचवान की घरवाली की चीख सुनकर उनके घर की किसी अनहोनी की आशंका से उठे थे। कोचवान ने दरवाजा पीट पीट कर खोलने को कह रहे थे। अब कोचवान का ध्यान अपने घर के दरवाजे पर गया। दरवाजा तो अंदर से बंद था। फिर दोनों भागे तो भागे कैसे? उसे उठकर दरवाजा खोलना पड़ा। अंदर आते ही पड़ोसी पूछने लगे, अरे क्या हुआ भाई, ये चीख की आवाज कैसी थी और ये मंगला का क्या चक्कर है भाई, मंगला कहाँ गई? कोचवान ने तुरंत अपनी बात बदल दी, क्या बताऊं भाई, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। एक लड़का कल भरतपुर से मेरी घोड़ा गाड़ी में डीक तक आया था। उसे आगे अलवर जाना था। बेचारा बहुत गरीब था, सराय में ठहरने को पैसे नहीं थे। सो मैंने सोचा, रात भर की बात है, मेरे घर ठहर जाएगा, सुबह उठकर अपनी राह लगेगा। रात को उसे खाना भी खिलाया, मगर मुझे क्या पता था कि वह जिस थाली में खाया उसी में छेद करेगा। रात को उसे छत पर सबसे अलग भी सुलाया, मगर अभी उठकर देखा तो वो लड़का भी गायब है और हमारी छोटी बेटी मंगला को भी पता नहीं कैसे बहका कर ले गया। कितनी देर हुई है उन्हें गए हुए? पड़ोसी ने पूछा तो कोचवान की घरवाली ने बताया कि अभी कुछ देर पहले ही घोड़े के हिनहिनाने की आवाज से मेरी आंखें खुली है। लगता है दोनों घोड़े पर बैठकर भाग गए और वह विलाप करने लगी, हाय मेरी मंगला का क्या होगा, मेरी बच्ची का क्या होगा, कैसे बचाएंगे हम अपनी लड़की को। कोचवान की घरवाली ने रोना पीटना शुरू कर दिया। कोचवान ने सबके सामने उसे जोर से डांटा कि भगवान शोर मत मचाओ, कुछ सोचने दे, क्या करें कैसे करें। वो बात खुल जाने से भी अपनी पत्नी से नाराज था। अभी कुछ देर पहले ही तो वे ज्यादा दूर तक तो नहीं गए होंगे, एक पड़ोसी ने कहा, चलो जल्दी से उनका पीछा करते हैं। जल्दी जल्दी करते भी जब तक कोचवान और उसके पड़ोसियों ने अपने अपने घोड़े खोले, उन पर जीन कसी, सवार होकर लगाम थामी, तब तक एक डेढ़ घंटे का अंतर पड़ गया। कोचवान सहित चार आदमी घोड़ों पर उनका पीछा करने लगे। उनके पास बड़े खतरनाक खंजर भी थे, ताकि किसी झगड़े खतरे के समय इस्तेमाल किए जा सके। नंदन और मंगला एक घोड़े पर बैठे बैठे सरपट भागे जा रहे थे। मंगला सोच रही थी, काश इसी तरह घोड़े पर चलते रहे और उनका सफर कभी खत्म ना होता। काश उसके जीवन में कोई खतरा ना होता और उसका संपर्क नंदन से किसी अच्छी घटना के कारण हुआ होता, नंदन उसका जीवन साथी होता। मगर जो हम चाहते हैं वैसा सब थोड़े ही ना होता है। उस समय नंदन के जीवन की रक्षा सबसे महत्वपूर्ण थी। काफी देर घोड़े पर भागते भागते जब पन फटने लगी और थोड़ा सा उजाला हुआ तो मंगला की नजर घोड़े के कानों पर पड़ी। उसके पीछे की तरफ मुड़े हुए कान देखकर मंगला को एहसास हुआ कि जल्दबाजी में
नंदन जिस घोड़े को ले आया वह तो घोड़ा गाड़ी में जोता जाने वाला घोड़ा था और उसकी चाल दूसरे घोड़े से बहुत कम थी। इसका मतलब ये है कि यदि उसके घर वालों ने उसके भागने का पता लग गया होगा तो वे दूसरे घोड़े पर उसका पीछा कर रहे होंगे तो जल्दी वे उन्हें पकड़ लेंगे। उसके बाद पता नहीं वे नंदन के साथ कैसा सलूक करेंगे, शायद उसे वे मार ही डालेंगे। मंगला के साथ भी ना जाने क्या व्यवहार होगा। उसने नंदन से कहा, बाबू जल्दी में तुम गलत घोड़े को ले आए, ये तो घोड़ा गाड़ी में जुतने वाला घोड़ा है और इसकी चाल ज्यादा नहीं है, दूसरे घोड़े की चाल इससे बहुत ज्यादा है। अगर मेरे बापू हमारा पीछा कर रहे होंगे तो वे जल्दी हमारे पास पहुंच जाएंगे, फिर हम दोनों की खैर नहीं। नंदन ने कहा, देवी जल्दी और अंधेरे में मेरी समझ में कुछ नहीं आया, जो घोड़ा मेरे हाथ लगा मैं उसी को लेकर भाग पड़ा, अब तुम ही बताओ आगे क्या किया जाए। मंगला ने कहा, बाबू रास्ता तो है मगर पहले तुम बताओ, क्या तुम मुझे पसंद करते हो, अपनी पत्नी बनाकर अपने घर ले जा सकते हो। नंदन ने कहा कि मैं पत्नी बनाकर तो तुम्हें ले जाता और मुझे बहुत खुशी भी मिलती, मगर मेरी सगाई मेरे माता पिता ने बचपन में तय कर दी थी और मैं अपनी स्वर्गवासी माता पिता के वचनों को झूठा साबित नहीं कर सकता, ये बहुत बड़ा पाप होगा, ऐसा पाप करने के बजाय मुझे मर जाना मंजूर होगा। वैसे भी अक्सर गरीबी के कारण भूखा प्यासा तो रहना पड़ ही रहा है, अब तुम्हारी मर्जी, मेरी जान बचाओ या मुझे मरने के लिए छोड़ दो। मंगला की आंखें गीली हो गई मगर उसने नंदन को इसका एहसास नहीं होने दिया। उसने कहा, बाबू अच्छा लगा कि तुमने मुझे सब साफ साफ कह दिया, तुम अपने शरीर के साथ साथ मन के भी बहुत सुंदर हो, इसलिए मैं तुम्हें अपने घर वालों से बचने का रास्ता जरूर बताऊंगी। देखो दूर से घोड़ों की टापों की आवाज आ रही है और कुछ धूल से भी उड़ती लग रही है, मुझे लगता है मेरे बापू अकेले नहीं है, उनके साथ हमारे पड़ोसी भी हैं, जिनसे बचना बहुत मुश्किल है, फिर क्या किया जाए, नंदन ने पूछा। तब मंगला कहने लगी, अब एक ही रास्ता है, यहाँ से कुछ ही दूरी पर अलवर के राज्य की सीमा शुरू होती है, यदि तुम किसी तरह अलवर की सीमा में प्रवेश कर जाओ तो कोई भी तुम्हें पकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि अपने अपराधों के कारण मेरे पिता अलवर राज्य की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकते और उनके साथ आए पड़ोसी भी उन्हीं के साथ वापस चले जाएंगे, मगर इसके लिए मुझे उन्हें यहाँ पर रोकना होगा ताकि तुम्हें इस राज्य की सीमा पार करने का समय मिल सके। तो मंगला ने कहा, नंदन को भी यह सुझाव ठीक लगा, इसलिए उसने मंगला को घोड़े से उतारकर घोड़े को एड़ लगा दी और घोड़ा नंदन को लेकर सरपट दौड़ पड़ा। उधर मंगला घोड़े से उतरकर धूल में लोटपोट होकर चोट लगने और रोने का अभिनय करने लगी। थोड़ी देर में मंगला का पिता और उसके साथ ही वहाँ पहुँच गए। मंगला को जमीन पर गिरी हुई और रोती देखकर वे सब वहीं पर रुक गए। मंगला के पिता ने अपने घोड़े से उतरकर मंगला को उठाया, मंगला बेहोश की तरह उठी और फिर गिर गई। वो अपनी चोटों से उन्हें उलझाकर कुछ देर रोकना चाहती थी, जब उसके पिता ने उसे फिर से उठाया तो वो होश में आने का नाटक करके अपने पिता से लिपटकर जोर जोर से रोने बिलखने लगी। बड़ा मुश्किल से कोचवान ने उसे चुप कराया और पूछने लगा कि तुम यहाँ कैसे पहुँची और वो लड़का यहाँ से कहाँ गया। साथ ही उसने मंगला से पूछा, तुम उसके चंगुल में कैसे फंस गई। मंगला ने पड़ोसी की ओर देखकर सुबकते हुए कहा, बापू जब शाम को लड़का तुम्हारे साथ घर आया था तो तुमने गाड़ी में से घोड़ा खोलकर घुड़साल में बांध दिया था और मैं रोजाना की तरह घोड़ों को दाना पानी डालने के लिए घुड़साल में चली गई। उस समय वो लड़का आसपास घूमते हुए हमारे घर के पिछवाड़े घुड़साल में आ गया था और घोड़ों के बारे में बातचीत करने लगा। उसी समय मुझे उसकी नियत अच्छी नहीं लगी थी, फिर वह इधर उधर की बातें करके वहाँ से चला गया। आधी रात के बाद जब सब सो गए थे तो वह घुड़साल में से कुछ आवाजें सुनकर मेरी नींद खुल गई। मुझे लगा घुड़साल में घोड़ों के साथ कुछ समस्या है, खासकर घोड़ी के साथ जो इस समय गर्भवती है, इसलिए मैं अंदर घुड़साल में चली गई।
मगर मैंने वहाँ का नज़ारा देखा तो हैरान रह गई। इस अजनबी ने एक घोड़े पर जीन कस रखी थी और घोड़े को लेकर भागने की तैयारी में था। जब मैंने उसे रोकना चाहा तो उसने मेरा मुंह दबोचकर मुझे भी घोड़े पर लाद लिया और घोड़ा सरपट दौड़ा दिया। मैं तो चिल्ला भी नहीं पाई। अब जब उसने आप लोगों को अपने पीछे आते देखा तो मुझे घोड़े पर से धक्का देकर नीचे गिरा दिया और खुद घोड़ा लेकर भाग गया। मेरी तो हड्डियां भी बहुत दर्द कर रही है, मगर मुझे बड़ा अफसोस है कि मैं उसे घोड़ा लेकर भागने से नहीं रोक पाई। बड़ा मजबूत शरीर है उसका, उसके कब्जे से छूटने की बहुत कोशिश की मैंने, मगर छूट नहीं पाई। अब पड़ोसियों ने पास आकर पूछा, मगर बेटी वह गया किधर? मंगला ने इशारा करके कहा, वह अजनबी हमारे घोड़े को लेकर इधर ही गया है, जल्दी से पकड़ लो उसे। और ये कहकर वह फिर से रोने बिलखने लगी। अब कोचवान ने अपनी बेटी मंगला को अपने घोड़े पर बैठा लिया और फिर से अपने पड़ोसियों के साथ नंदन का पीछा करने लगा। नंदन अपने घोड़े को सरपट भगाए जा रहा था और धीरे धीरे वह उनकी पकड़ से बाहर निकलता जा रहा था। अब तो अलवर की सीमा भी उसे सामने दिखाई देने लगी थी और कोचवान को लगने लगा कि वे सब मिलकर भी उस लड़के को पकड़ नहीं पाएंगे और वो अलवर की सीमा में घुस जाएगा, जहां कोचवान और उसके साथ ही चाहकर भी नहीं जा सकते। तभी कोचवान को एक तरकीब सूझी। कोचवान ने एक विशेष आवाज निकाली जिसे उसका घोड़ा पहचानता था। पहली बार में घोड़े पर कोई असर नहीं हुआ क्योंकि उसकी आवाज सही से नहीं पहुंच पाई, लेकिन दूसरी बार में वो ठिटक कर रुक गया और अपने मालिक की ओर देखने लगा। नंदन तुरंत समझ गया कि अब ये घोड़ा उसके साथ आगे नहीं जाएगा, इसलिए घोड़े से उतरकर जो पैदल भागने लगा, घोड़ा वहीं खड़ा रह गया। कोचवान ने अपने घोड़ा गाड़ी वाले घोड़े के पास पहुंचा तो गाड़ी वाला घोड़ा उसने मंगला को पकड़ा दिया और फिर से अपने साथियों के साथ नंदन का पीछा करने लगा। नंदन अब बिल्कुल अलवर राज्य की सीमा पर पहुंच गया था। उसे अलवर राज्य के सैनिक भी दिखाई दे रहे थे, मगर कोचवान और उसके साथी भी उसके करीब आ गए। मंगला ने भी ये देखकर चैन की सांस ली कि अलवर राज्य के सैनिकों ने नंदन को अलवर की सीमा में कूदते हुए देखा है और उसके पीछे कोचवान और उसके साथियों द्वारा उसकी हत्या की कोशिश को भी देखा है, तो उन्होंने अपने हथियार निकालकर वे सतर्क हो गए। ये देखकर कोचवान और उसके साथी डर कर वापस भाग गए। अब उन सैनिकों ने नंदन से पूछा, क्यों नौजवान, क्या करके आए हो? ये लोग तुम्हारी जान लेने पर क्यों तुले हुए हैं? नंदन ने अपना सारी कहानी उन सैनिकों से कह सुनाई और जीवन रक्षा के लिए उनका धन्यवाद दिया। सैनिकों ने उसे आगे सावधान रहने की हिदायत के साथ अपने घर जाने की अनुमति दे दी। नंदन की बाकी यात्रा में कोई विघ्न नहीं आया। वो सकुशल अलवर पहुँच गया, जहाँ से वो सीधे पहले अपने घर नहीं गया बल्कि सबसे पहले नगर के बाहर उसी मंदिर में गया जहाँ एक फकीर से उसे एक रुपए की एक शिक्षा मिली थी, जो फकीर ने एक रुपए में एक शिक्षा बेची थी। उसने मंदिर में दर्शन किए और पुजारी से उस फकीर के बारे में पूछने लगा। पुजारी ने उत्तर दिया, कौन सा फकीर बेटा, कैसा फकीर, 12 साल पहले? अरे हाँ हाँ, याद आया, वो फकीर तो उसी दिन सुबह सुबह आया था और जिस दिन वह तुमसे मिला था, और तुम्हारे जाने के थोड़ी देर बाद ही वह यहाँ से खुशी खुशी चला गया था। उस दिन के बाद तो मैंने उसे आज तक यहाँ कभी नहीं देखा। नंदन निराश होकर मंदिर के बाहर निकल ही रहा था कि किसी ने आवाज दी, क्यों बेटा आ गए प्रदेश से? अच्छा बताओ, प्रदेश में तुमने क्या कमाया और क्या खोया? उसने पलट कर देखा तो वही फकीर उनके सामने खड़ा था। नंदन ने तुरंत ही झुककर उस फकीर के पैर छू लिए। फकीर हंस पड़ा। उसने पूछा, मेरी शिक्षाएं याद है तुझे या इन 12 सालों में सब भूल गया? तब नंदन कहने लगा, बाबा सब कुछ याद है। इस समय आपके सामने अगर मैं जीवित खड़ा हूँ तो मुझे आपकी शिक्षाओं ने ही जीवित रखा है, नंदन ने फकीर से कहा तो फकीर बाबा हंस पड़े। चल सुना क्या क्या याद है तुझे? नंदन ने सुनाना शुरू किया। पहली शिक्षा,
कोई भी यात्रा अकेले नहीं करनी चाहिए, आदमी नहीं तो कोई जानवर ही साथ में ले लो, लेकिन साथ ही अवश्य होना चाहिए। इस शिक्षा ने जाते समय मेरी जान बरगद के नीचे अजगर और कौवे से बचाई थी। दूसरी शिक्षा, अनजान जगह पर खाना खाते समय खुद खाने से पहले किसी पशु पक्षी को भोजन खिलाकर तभी भोजन करना चाहिए। इस शिक्षा ने मेरा जीवन ठग कोचवान के घर में जहरीले भोजन से बचाया। तीसरी शिक्षा ने ठग कोचवान के घर पर कच्चे सूत की चारपाई पर लेटने से कुएं में गिरने से बचा। जो आपने कहा था कि सोने से पहले अपने बिस्तर को झाड़ना, और चौथी शिक्षा, मुसीबत के समय विवेक से काम लेना, मित्र अर्थात ठंडे दिमाग से सोच समझकर मुसीबत में निकलने का उपाय करना चाहिए। आपकी यह शिक्षा ने मुझे ठग कोचवान के घर से जान बचाकर भागने में बड़ी मदद की। फकीर ने हंसते हंसते कहा, एक मामूली फकीर की शिक्षा इतने दिनों तक याद रखी, कमाल है। लोग तो पीठ फेरते इंसान को भूल जाते हैं, किसी की बात को याद रखना तो बहुत दूर की बात है। बहुत ही नेक दिल और समझदार इंसान है। नंदन कहने लगा, बाबा अब आपके दर्शन मुझे कब होंगे? उसने फकीर के चरण पकड़कर पूछा, अब मेरा काम पूरा हो गया और तू भी स्याना हो गया है, अब तुझे मेरी जरूरत नहीं है और ये कहकर मैं तुझे कभी नहीं मिलूंगा। नेकी करते रहना, कभी घाटा नहीं खाएगा, तेरी नेकी ने ही तुझे बचाया है, मेरा तो बस बहाना था। भगवान तेरी रक्षा करेंगे, फकीर यह कहकर तेजी से पलटा और चलता चला गया। मंदिर का पुजारी ये देखता रहा, उसे बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि जो फकीर पिछले 12 साल से एक बार भी मंदिर या नगर में दिखाई नहीं दिया। वो नंदन के प्रदेश जाते वक्त और आते वक्त नंदन के पास आने पर अचानक कहां से आ गया और अब कहां चला गया। पुजारी ने नंदन को बुलाया और कहा, बेटा तुम बहुत भाग्यवान हो, ऐसा लगता है भगवान स्वयं ही फकीर का रूप लेकर तुम्हें शिक्षा देने आए थे, जाओ तुम्हारा कल्याण हो। और उस पुजारी ने भी भगवान के सामने रखे फूल नंदन को प्रसाद के स्वरूप दे दिए। फकीर के जाने के बाद पुजारी से मिले फूल नंदन ने अपने माथे से लगाकर थैले में डाल लिए और सोचने लगा कि घर किस तरह जाया जाए। और घर वापस जाने पर चाचा चाची का ना जाने कैसा व्यवहार करे गए। उसके चचेरे भाई बहन उसे पता नहीं कैसे मिलेंगे, फिर इस वक्त तो मेरे पास किसी के लिए उपहार ले जाने के लिए भी धन नहीं है। तभी उसके मन में फकीर की शिक्षा को परखने की बात आ गई। उसने सोचा धन उपहार आदि के साथ जाने पर तो शायद अच्छा व्यवहार ही मिलता, मगर अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। जंगल की भागदौड़ में कपड़े भी कुछ फट से गए हैं और कंधे में खंजर का घाव भी है, तो क्यों ना मैं देखूं इस समय वे लोग मेरे साथ कैसा व्यवहार करते हैं। इसको अजमाया जाए। वो शाम तक बिना उद्देश्य के शहर में घूमता रहा, पैसे तो सारे ही फकीर को दे दिए थे, सो दिन भर भूखा ही रहा। दिन ढले चाचा की दुकान पर पहुंचा, बाजार 12 साल में बहुत बदल गया था। उसकी दुकान भी अब बड़ी हो गई थी, मगर चाचा की दुकान और चाचा को पहचानने में उसे कोई मुश्किल नहीं हुई। वो धीरे धीरे चलता हुआ चाचा की दुकान के पास पहुंचा और भूख प्यास से निढाल होने का नाटक करते हुए दुकान के चबूतरे पर गिर पड़ा। नंदन के गिरने की आवाज सुनकर सेठ मोहन लाल दुकान से बाहर आए और नौकर को आवाज देकर पानी का लोटा मंगवाया। पानी के छींटे देकर सेठ मोहनलाल नंदन को होश में लाए। इतनी देर में नंदन को चारों तरफ कई लोग घेर कर इकट्ठा हो गए, वे तरह तरह की बातें कर रहे थे। सेठ ने नंदन को गुड़ और पानी दिया। गुड़ और पानी पीकर नंदन कुछ सचेत सा हुआ तो सेठ ने उससे पूछा, बेटा तुम कौन हो, कहां से आए हो और तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई? नंदन ने जवाब दिया, सेठ जी बस ऐसा समझ लीजिए, किस्मत का मारा हूँ, बस मेरा इतना ही परिचय और कुछ नहीं। दुनिया जान में भटक कर फिर से अपने अलवर में आ तो गया हूँ, पता नहीं अब मुझे ठिकाना मिलेगा या नहीं। उसकी आवाज सुनकर
सेठ मोहनलाल ने नंदन को तुरंत पहचान लिया। उनकी आंखों से आंसू टपक पड़े। बेटा नंदन, तुम्हारी यह हालत, तुम इतने दिन कहाँ रहे और इतने दिन तुम्हें हमारी याद नहीं आई? एक ही सांस में सेठ मोहनलाल ने कई सवाल पूछ डाले। नंदन को अपने गले से उन्होंने लगा लिया। नंदन कुछ कहना भी चाहता था तो सेठ मोहनलाल ने उसे चुप रहने का इशारा किया और कहा, चल बेटा घर चल, तेरे बिना तो हमारा घर बिल्कुल सोना पड़ा है। तेरी चाची भी वर्षों से तेरे वापस आने की राह देख रही है। उन्होंने नौकरों को दुकान बढ़ाने को कहा और खुद नंदन को लेकर घर की ओर चल पड़े। दोनों के मन में ढेर सारे सवाल थे, मगर दोनों ही कुछ भी नहीं कह रहे थे। नंदन शायद चाची के 12 साल पहले के व्यवहार के बारे में सोच रहा था, फिर सेठ मोहनलाल के इस प्रेम पूर्ण व्यवहार के बारे में, और सेठ मोहनलाल शायद इसलिए कुछ कहते हुए डर रहे थे कि नंदन को फिर जाने क्या बुरा लग जाए और वो घर जाने से इनकार कर दे। दोनों जल्दी से घर पहुंच गए। घर पहुंचकर सेठ मोहनलाल ने दरवाजे से आवाज लगाई, अरे संतोषी, ओ संतोषी, अरे भाग्यवान कहाँ हो, जल्दी बाहर आओ, देखो कौन आया है, देखो। संतोषी जो अंदर से कहने लगी, मुझे क्या कोई भी आए, मेरा बेटा तो नहीं आया ना, मेरा नंदन तो नहीं आया होगा, मैंने उसके साथ बर्ताव भी ऐसा किया था, बहुत मारा था मैंने उसे, इन्हीं कंबकत हाथों से उसी वक्त मेरे हाथ टूट क्यों नहीं गए। संतोषी ने अंदर से जवाब दिया और रोते हुए अपने हाथों को धरती पर पटकने लगी। नंदन को जब अपने चाचा चाची के प्यार पर कोई संदेह नहीं रहा, वह तेजी से घर के अंदर घुसा। उसने आगे बढ़कर अपनी चाची के हाथ पकड़ लिया और बोला, चाची, ओ चाची, मैं तुम्हारा नंदन ही तो हूँ। चाची, तुमने मुझे पहचाना नहीं क्या? मेरा नंदन आ गया, मेरा बेटा आ गया, यह मेरा बेटा ही तो है, मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे बहुत मारा था बेटा। नंदन ने अपने पैर छुड़ाकर चाची को अपने गले लगा लिया। वह कहने लगा, चाची मुझे माफ कर दे, गलती मेरी ही थी, ऊपर से बचपना था कि मैं घर छोड़कर भाग गया। चाची ने कहा कि तूने मुझे माफ कर दिया, मैंने अपनी इस गलती के कारण बहुत दुख उठाया है, मैं तुमसे दूर जाकर कभी चैन से नहीं सो पाया, देखो दुनिया भर के धक्के खाकर फिर तुम्हारी गोद में वापस आकर मुझे चैन मिला है। नंदन ये सब कह ही रहा था कि उसने कुछ गीलापन महसूस किया। उसे जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि चाची की छातियों से दूध से गीली हो गई। अब क्या उसकी चाची के वात्सल्य पर कोई संदेह हो सकता था? ऐसा तो केवल जन्म देने वाली माँ के साथ हो सकता है, तो क्या चाची सचमुच में उसे अपना बेटा ही मानने लगी है? अब तो नंदन की आंखों में भी आंसू बहने लगे। सेठ मोहनलाल भी अब तक अपने आंसू रोके हुए थे, परंतु उन दोनों को देखकर उनकी आंखों का बांध टूट पड़ा और वो भी हिचक हिचक कर रोने लगे। अब समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या कहें, क्या करें। वे तीनों ना जाने कितनी देर तक रोते रहे। अपने आप को शांत करके सेठ मोहनलाल ने नौकर को अंदर बुलाकर उससे दुकान की चाबियां ले ली और उसका परिचय नंदन से कराया। चाची और नंदन भी संभल कर बैठ गए, मगर अभी भी चाची ने नंदन का हाथ नहीं छोड़ा था। वो उसे कह रही थी, बेटा अब तो अपनी चाची को छोड़कर नहीं जाएगा, ध्यान रखना, अब की बार अगर तू मुझे छोड़कर गया तो अपनी चाची को जिंदा नहीं देख पाएगा। अभी तक तो मैं बस तुझसे माफी मांगने के लिए जिंदा थी, तू मुझे माफ कर दे बेटा, बस एक बार कह दे तूने मुझे माफ कर दिया, नहीं तो मुझे चैन नहीं मिलेगा। अच्छा चाची, मैंने तुम्हें माफ किया, बस, नंदन ने हंस कर कहा, अब तुम भी मुझे माफ कर दो। अरे वाह, चाची को बना रहा है। अच्छा चलो, मैंने तुझे माफ किया, बता क्या बनाऊं, क्या खाओगे? बहुत दिनों से मैंने खाना नहीं बनाया, पता नहीं कैसा बनेगा, चाची ने भी हंस कर कहा। तो नंदन ने कहा, चाची तू अपने हाथ से जो भी मुझे बनाएगी खिलाएगी, बनाकर वही मेरे लिए अमृत होगा, मगर बनाओ, जल्दी बनाना, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, आखिर मैंने बरसों से घर का कुछ भी नहीं खाया।
दोनों के मन का मैल, गिला, शिकवा सब उनके आंसुओं के साथ बह गया और उनका हृदय निर्मल हो गया था। चाची नंदन के लिए खाना बनाने रसोई में गई थी। अब तो चाची को किसी भी बात का ऐसा नहीं लग रहा था कि उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या हो। वो तो बहुत खुश थी। उसने आज रात को नंदन के लिए उसकी मनपसंद बाजरे की रोटी और चने की गाढ़ी दाल बनाने का फैसला किया। इधर सेठ मोहनलाल भी चकित थे कि नंदन के आते ही संतोषी में ना जाने कहां से एकदम ढेर सारी ऊर्जा आ गई। खाना बनाने वाली सेविका कमला अभी रसोई में ही थी और वो भी इस पूरे घटनाक्रम को आश्चर्य से देख रही थी। मालकिन की फुर्ती और रसोई बनाने की कोशिश तो पहली बार देख रही थी, क्योंकि संतोषी का दिमाग का संतुलन ही खराब हो गया था और उन्होंने एक नौकरानी कमला रख ली थी और आज वो अचानक से ठीक हो गई। ये देखकर सब हैरान थे। काफी समय से संतोषी ना ठीक से खा रही थी, ना ही उसकी तबीयत ठीक थी। इधर सेठ जी को समझ नहीं आ रहा था कि वो बात शुरू करें तो कैसे। उसके मन में तो हजारों सवाल उमड़ रहे थे। नंदन ने यहाँ से कहाँ गया था और उसने क्या किया, फिर वापस आने की कैसे सूझी और ना जाने क्या किया। इधर नंदन की निगाहें भी घर में चारों तरफ इधर उधर देख रही थी। ना जाने वो क्या देखना चाह रहा था। सेठ मोहनलाल ने उसे चारों तरफ देखते पाकर पूछ लिया, बेटा क्या बात है, चारों तरफ क्या देख रहे हो। नंदन कहने लगा, कुछ नहीं चाचा जी, मैं तो अपने भाई बहनों को ढूंढ रहा हूँ, कोई नजर नहीं आ रहा, कहीं गए हुए हैं क्या। कैसे भाई बहन, बेटा तुम्हारे जाने तक तो संतोषी को कोई संतान हुई नहीं थी। बाद में बहुत वैद्यों को दिखाने पर सबने हाथ खड़े कर दिए, संतोषी को संतान नहीं हो सकती। उसके बाद तो वो पागल सी हो गई, दिन रात बस तुम्हें याद करके रोया करती थी। कुछ रिश्तेदार और जानकारों ने किसी बच्चे को गोद लेने की सलाह भी दी, मगर संतोषी ने मना कर दिया। उसने कह दिया कि या तो मेरा बेटा नंदन मेरी गोद में वापस आएगा या कोई नहीं। कहते कहते चाचा की आंखों से भी आंसू टपकने लगे। नंदन ने चाची जी चाचा जी को गले लगा लिया। चाचा जी आप क्यों रोते हैं, मैं तो वापस आ गया ना, अब चाची जी भी ठीक हो जाएंगे। हाँ बेटा बहुत हो गया, अब मेरे कुछ भी बस की नहीं है, सब कुछ अब नहीं संभाला जाता मुझसे। कारोबार अब तुम ही संभालो, अपने घर दुकान को संभालो और हम दोनों को भी। तुम्हें बड़े भाई साहब और भाभी जी की कसम, अब हमें कभी छोड़कर मत जाना, नहीं तो इस बार हम मर ही जाएंगे। चाचा जी तो सचमुच ही रोने लगे थे। नंदन कुछ कहता इससे पहले चाची रसोई से बाहर आकर कहने लगी, आप क्यों रोते हो जी, हमारा बेटा नंदन कहीं नहीं जाएगा, हमारे साथ ही रहेगा हमेशा। क्यों बेटा नंदन। नंदन तो उनके प्रेम पूर्ण व्यवहार से अभिभूत हो चुका था। उसने चाची की बात की हामी भर दी। नंदन ने कुछ दिन में सारा कारोबार संभाल लिया। चाची का प्रेम पूर्ण व्यवहार देखकर उसे चाची नहीं माँ कहने लगा और इसी बात से संतोषी को भी बहुत खुशी मिल रही थी। नंदन ने कुछ दिन में ऐसा लगने लगा था कि वो उसकी चाची कभी कोई बीमारी नहीं थी। आखिर उसकी सारी बीमारी का कारण तो संतान नहीं होना था। और नंदन का घर छोड़कर चले जाना था। एक सप्ताह बाद नंदन ने वैद्य के पास जाकर अपनी जांघों से बहुमूल्य रतन निकलवा लिए, जिन्हें नंदन ने अपनी चाची को भेंट कर दिए और कुछ को बेचकर उसने अपने कारोबार में लगा दिया, जिससे कारोबार और बढ़ गया। कुछ दिन बाद आगरा वाले सेठ जी का नई सेठ सोहनलाल के घर दुकान के बारे में पूछता पूछता उनके घर आया, जिसे उन्होंने बड़े आदर के साथ ठहराया। नंदन को देखते ही उसे वह पहचान गया, मगर नंदन ने उसे कसम देकर सारी बातें छिपाने के लिए राजी कर लिया। सेठ मोहनलाल भी नाई के आने से बहुत खुश थे। उन्होंने तुरंत पंडित को बुलाकर नंदन और नंदनी की शादी का मुहूर्त निकलवा लिया। नाई को ढेर सारे उपहार देकर विदा किया। स्वयं नंदन नाई को छोड़कर दूर तक गया।
उसने अलग से नाई को उपहार देकर आगरा में भी अपना मुंह बंद रखने के लिए तैयार कर लिया। नाई आगरा में वापस सेठ माधुराम के पास और जाकर उसने नंदन की कुशलता और उसके माता पिता का निधन, सेठ मोहनलाल के कारोबार और उनकी मेहमाननवाजी के बारे में विस्तार से बताया तो वो बहुत खुश हो गए। सेठ मोहनलाल व संतोषी द्वारा नंदनी बिटिया के लिए भेजी गई विशेष पोशाक और अमूल्य उपहार उनके सामने रख दिए। सब कुछ देखने के बाद सेठानी जी तो नंदिनी बेटी के भाग्य को सराहने लगी। उसकी सभी शंकाएं भी शांत हो गई। मगर नाई ही नंदन की पहचान और उनके सेठ जी की दुकान पर नौकरी करने की सारी बातें छिपा गया। इसके लिए उसने उसकी अच्छी सेवा जो की गई थी, मुहूर्त केवल 2 महीने बाद का होने के कारण सेठ माधुराम विवाह की तैयारी में लग गए। भले ही अब सेठ सोहनलाल जीवित नहीं थे, मगर सेठ मोहनलाल और नंदन का परिवार और कारोबार किसी तरह भी उनसे कम नहीं था, बल्कि नाई के अनुसार तो उनसे कहीं बढ़ चढ़कर था। इसलिए शादी के प्रबंध में कोई कमी ना रह जाए, इसलिए भी और आखिर आगरा के नामी ग्रामी सेठ माधुराम की इकलौती बेटी की शादी है, रिश्तेदारों के बीच नाक थोड़ी कटानी है। मगर इन सारे इंतजामों के दौरान रह रहकर उन्हें अपने नौकर भसाकू की याद आ रही थी। बस अगर इस समय भसाकू यहाँ होता तो सेठ जी को किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। सारा काम भसाकू अपने आप कर लेता था और सेठ जी आराम से शादी के सभी उत्सवों का मजा ले सकते थे। अब तो इंतजाम भी खुद करने थे। सेठ जी सारी भागदौड़ के बीच परिवारजनों और रिश्तेदारों का भी ध्यान रख रहे थे। ना जाने ऐन मौके पर कौन रिश्तेदार रूट जाए, सबके बीच बेइज्जती करा दे। नंदनी की माँ भी बहुत खुश थी। जब से नाई ने आकर बताया था कि उनका दामाद बिल्कुल राजकुमार जैसा लगता है, मानो सुंदर दामाद की उनकी मन की मुराद पूरी हो गई हो। चारों तरफ भाग दौड़ करके न जाने किस किस तरह की तैयारियां करनी पड़ रही थी। कहीं भी किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। नंदन की बारात आगरा पहुंच गई। गाजे बाजे की आवाज सुनकर सेठ माधुराम अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ आगवानी करने के लिए आए और सेठ मोहनलाल को देखकर वर्षों बाद की तुरंत ही उन्हें पहचान गए। दोनों समधी गले मिले और सम्मान के बाद बारात को आगरा की सबसे बड़ी धर्मशाला में ठहराया गया। एक सहेली ने किसी बहाने से नंदन का चेहरा देख लिया, ये तो इनका नौकर भसाकू लगता है। अब तो सहेलियों में चर्चा शुरू हो गई। दूसरी सहेली ने कहा, अरे चल हट, ये भसाकू कैसे हो सकता है, तूने ठीक से देखा ही नहीं होगा। कहा नंदिनी का दूल्हा बिल्कुल राजकुमार जैसा और कहा उनका नौकर भसाकू, तू भी बस और बात आई गई हो गई। नंदिनी के ससुराल वाले बहुत अच्छे लोग हैं। किसी भी प्रकार की कोई ना कोई आनाकानी, ना कोई नखरा, ना कोई मांग तांग, ऐसे लोग बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। बड़ी भाग्यवान है हमारी नंदिनी बिटिया, जिसे इतनी अच्छी ससुराल मिली है। फेरों के बाद दूल्हा दुल्हन को कोबर में ले जाया गया, जहाँ तरह तरह के पूजन परम्परा की गयी, तरह तरह की अटखेलियाँ होने लगी। सभी प्रसन्न थे। नंदिनी की सहेलियां भी बात बात में शुगलबाजी कर रही थी, मगर दूल्हा नंदन लगभग नहीं के बराबर बोल रहा था। नंदिनी और उसकी सहेलियां तो किसी तरह दूल्हे की आवाज सुनना चाहती थी, मगर उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। तभी नंदिनी की सहेली विशाखा को याद आया कि विवाह के समारोह में एक रस्म होती है, नंदन छंद कहने की। नंदन से वे कहने लगी, दूल्हे को फेरों के बाद की रस्मों में दुल्हन और उसकी सहेलियों के बीच एक छंद कहना होता है, जिस पर प्रसन्न होकर दुल्हन की सहेलियां और परिवार वाले दुल्हे को विभिन्न भेंटे प्रदान करते हैं। विशाखा ने कहा, जीजा जी, अब तो सारी रस्में हो गई, बस एक रस्म बाकी है। आपको एक बढ़िया सा छंद कहना है और अगर हमें आपका छंद पसंद आया तो जान लीजिए मुंह मांगा इनाम मिलेगा।
विशाखा की यह बात पर सारी सहेलियां जोर जोर से हंसने लगी। अब तो जीजा जी की आवाज ठीक से सुनने को मिलेगी। नंदन ने सकुचाते हुए कहा, मुझे छंद नहीं आता, मगर कहीं कभी कहीं एक साधु से एक दोहा सुना था, वही सुना देता। उसके शब्दों में बस थोड़ा सा हेरफेर मैंने किया है। मायारी मायारी मनमोहिनी, मायारी मनमोहिनी तुझ बिन और ना है, इन्हीं दीवारों में मैं फिरा, मेरा धरा भसाकू नाम। क्या भसाकू? तुम नंदन हो, तुम नंदन, भसाकू नंदन, ये सब क्या चक्कर है? तो दामाद जी, आप ही हमारे यहाँ नौकरी कर रहे थे नंदन बनकर, जिसे हमने बार बार भसा कहकर बुलाया। नंदिनी की आवाज तो लड़खड़ा ही गई। नंदिनी की माँ तो जैसे बहुचक्की रह गई, वह तो ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। विशाखा ने कहा, मैं कहती थी ना, जीजा जी भसाकू जैसे दिखते हैं। हाय राम, भसाकू नहीं, नंदन जैसे। हाय मेरी जबान क्यों ना जल गई, पहली बार मेरी जुबान से भसाकू नाम निकला, पर तब मैं नहीं जानती थी कि ये हमारे होने वाले जीजा जी हैं। और जीजा जी आप भी छुपे रुस्तम निकले, 12 साल यहीं पर रहे, मगर एक बार भी नहीं बताया, आप इस गर्व के होने वाले दामाद हैं। फिर धीरे से आप बिना कुछ बताए अपने घर वापस चले गए। अब उनकी बातें सुनकर नंदन की हंसी रोके नहीं रुक रही थी। आखिर उसने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोक कर कहा, असल में मैं तो संयोग से यहाँ पहुँच गया था, आपके यहाँ नौकरी कर रहा था। कुछ दिन पहले तक तो मुझे खुद भी नहीं पता था कि नंदिनी मेरी होने वाली पत्नी है, और मैं अपने ही ससुराल में नौकरी कर रहा था। पिछले दिनों जब सेठ जी ने नाई को नंदिनी के ससुराल भेजने के लिए बुलाया, तभी मुझे पता चला, और फिर मुझे तो घर वापस जाना ही था, नहीं तो बारात लेकर कौन आता। दोस्तों, इस तरीके से नंदिनी और भसाकू की शादी हो गई और दोनों सुख पूर्वक रहने लगे। चाचा चाची को बहू और बेटा मिल गए और उनकी जिंदगी खुशी से बीतने लगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।